हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर एंड केयर विद माया। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ में बहुत ही टेस्टी बढ़िया नवरात्र में बनाने जाने वाली चने की रेसिपी बताऊंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए हमने ये सारे मसाले यूज़ किए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और ये थोड़ा से क्रश्ड अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब तेल में हमने ये जीरा लिया है, आप थोड़ा सा हींग भी ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने हमारे अदरक और हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। ये जो रेसिपी है बिना प्याज और लहसुन के बनती है, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है जो नवरात्र में चना हलवा पूरी हम कन्याओं को खिलाते अष्टमी के दिन, वही रेसिपी है ये। और आप जब मर्ज़ी है तब बना सकते हैं। ये मसाले अगर हम रेडी रखेंगे, हमारे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काले मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, तो इमीडिएटली हम अदरक और मिर्ची जैसे ही फ्राई हो उसमें ये मसाले डाल देंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे ये मसाले जले नहीं। अब ये मसाला थोड़े देर अच्छे से फ्राई होगा हमारी पानी ऐड करने के बाद में, जब इसमें से तेल रिलीज़ होने लगे उसके बाद में हम हमारे जो है इसमें और भी मसाले तो ऑलरेडी हमने सारे ही डाल दिए हैं, लेकिन नमक और चाट मसाला मैं थोड़ा सा ऐड करना पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले में, काला नमक होता है और भी थोड़े जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और वो हमने ऐड कर दिया, देखिए तेल रिलीज़ हो रहा है और ये हमने हमारे नमक को भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें हमारा जो बॉइल्ड चना है उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो पानी के साथ में ही हम चने को इस मसाले में ऐड कर देंगे हमारे मसाले में। और अब ये जो पानी है ये इस दिन थोड़ा ज़्यादा ही पानी हो गया था, बट अदरवाइज़ थोड़ा भी पानी, जो भी पानी है इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे जिससे इसका पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट जो है इवेपरेट हो जाए और सिर्फ जो है चने का जो है मसाला रह जाए। और वो थोड़ा बहुत वाटर ही रह भी जाता है तो ठंडा होने के बाद में काफ़ी जो है वो सूख जाता है सब्ज़ी। तो अब ये तो पानी ज़्यादा है तो इसलिए आप हमें से पानी को पूरी तरह से रिड्यूस करने तक कुक करेंगे, तो इसे कुक होने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा। और जब ये ऑलमोस्ट कुक होने वाला हो उसमें हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ा आप साइड में चने को लेके उसे थोड़ा सा मैश कर दीजिए किसी चम्मच से या मैशर यूज़ करके। अगर हम मैश करके वापस से हम इसमें ऐड कर देंगे तो जो ये हमारा सब्ज़ी है या जो भी है वो काफ़ी गाढ़ा होने में हेल्प हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, लटपटा सा हो जाएगा। और ये अब इस कंडीशन में भी हमने इसे बंद कर दिया तो ठंडा होने के बाद में ये काफ़ी ड्राई हो जाता है क्योंकि इसकी जो पानी कंटेंट है अभी काफ़ी देर तक इवेपरेट होते जाएगी और वो जो सब्ज़ी है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इसे हम ज़्यादातर पूरियों के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है, हलवा पूरी ये कॉम्बिनेशन। बट उस दिन मैंने श्रीखंड यूज़ किया था, पूरी श्रीखंड और चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बनाइए, दिल से बहुत अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।